नमस्कार, आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। शेख हसीना को गिरफ्तार करने की उठी मांग, फंस गए मोदी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम महबूब उद्दीन ने भारत से मांग की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उसकी बहन शेख रेहाना को अरेस्ट करे और ढाका वापस भेजे। इस दौरान विपक्षी खालिदा जिया के कई समर्थक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। वहीं शेख हसीना को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही शरण देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में है। बांग्लादेश में पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो सेना के विमान से भारत पहुंची थी। इस बीच खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में हसीना को वापस भेजने की मांग उठ गई है। बांग्लादेश के लोगों की मांग है कि शेख हसीना को गिरफ्तार कर भारत वापस भेज दे। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। जैसोर जिले के सापुर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लूटपाट की और फिर घरों को तोड़फोड़ दिया। हुड़दंगियों ने सापुर में हिंदुओं के दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और हिंदुओं के साथ मारपीट की है। विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ देश। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने से पूरा देश सदमे में है। दरअसल विनेश स्वर्ण पदक के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने आज फाइनल मुकाबले में लड़ना था, पर एन मौके पर 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती फाइनल खेलने विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा होने से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस खबर के भारत आते ही यहां सड़क से लेकर सदन तक कोहराम मच गया। वहीं फैसले से विनेश की तबीयत बिगड़ी, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों इस फैसले से स्तब्ध रह गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से पूरे मामले को पुरजोर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में उठाने को कहा है। उधर विनेश परिवार ने इसके पीछे षड्यंत्र का भी आरोप लगाया है। संसद में फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का मुद्दा भी उठा। विनेश ने मंगलवार रात इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। वहीं विपक्षी सांसदों ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। आखिर यूपी में हार का जिम्मेदार कौन, सर्वे में आया सच सामने। अब की बार 400 पार ये नारा पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की संसद से दिया था, लेकिन जनता ने 400 तो दूर 250 पार भी जाने नहीं दिया। और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था यूपी में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा था। चुनाव परिणाम सामने आए तो सबसे बड़ी हार उन्हें यूपी से मिली, और इसके बाद से बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि हाईकमान ने हार के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार माना है। हाईकमान के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने बागी तेवर अपना लिए। संगठन की तरफ से भी योगी पर दबाव बनाया जाने लगा, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी विधायकों के साथ बैठक में जुड़ गए। इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी या जाएगी। वैसे सवाल सिर्फ योगी का नहीं, दूसरे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है चुनाव में, वहां से भी हार मिली है। वहां भी सीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय योगी को लेकर हो रही है। इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कारण यूपी बीजेपी में इस समय चल रही तकरार को भी माना जा रहा है। यूपी में पार्टी बिखरती दिख रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। यूपी बीजेपी में जबरदस्त टकराव चल रहा है। नेताओं के बीच तल्खियां सामने आ रही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डीजीपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। गृह मंत्रालय सीएम योगी के पास है। केशव मौर्य बैठक का फोटो ट्वीट भी करते हैं। सीएम योगी का नाम कहीं नहीं होता। डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल रही ये तल्खियां, सीवोटर का सर्वे भी सामने आया है, और इस सर्वे में बीजेपी हाईकमान से लेकर योगी आदित्यनाथ सभी पर सवाल उठाए गए हैं। यूपी में बीजेपी को मिली हार को लेकर लोगों से सवाल किए गए कि आखिर हार का जिम्मेदार कौन है। जो जवाब मिले हैं उसमें 22.2% लोग ऐसा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह गलत उम्मीदवारों को टिकट देना है। वैसे ये बात तो चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद से यूपी के बीजेपी के नेता भी खुलेआम कह रहे थे कि गलत टिकट का वितरण हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, पीएम मोदी को वहां के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, बोले उद्धव ठाकरे। मौजूदा समय में बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मणिपुर तो नहीं जा रहे, बांग्लादेश तो जा सकते हैं। अगर ये तो होगा तो अच्छी बात होगी। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है हम देख रहे हैं, श्रीलंका में क्या हुआ, इसराइल में क्या हुआ, क्या हो रहा है अन्य देशों में क्या हो सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जनता सर्वोच्च होती है, उनकी सहनशीलता की मर्यादा होती है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मालूम हो कि बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में हिंसा का दौर जारी है। यहाँ आरक्षण के विरोध में छात्र संगठनों का प्रदर्शन उग्र हुआ और देखते ही देखते प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए लोकसभा में आज होगा पेश विधेयक, मुस्लिम सांसद कर सकते हैं विरोध।
वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए गुरुवार को विधेयक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। आज भी लोकसभा में इस विधेयक मुस्लिम सांसदों के विरोध को सामना करना पड़ सकता है। विरोध का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीकों को व्यवस्थित करना है। ये विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। गरीब मुस्लिमों को मिलेगा न्याय। सूत्रों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून को लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कराना है व इसे संयुक्त रूप से भेजने के लिए आगे की चर्चा के लिए समिति को भी तैयार है। सूत्रों ने बताया कि पिछले 2 महीनों में सरकार ने बिल पर करीब 17 समूहों से सलाह ली है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जो 8 लाख एकड़ से अधिक की संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। ये उन्हें रेलवे रक्षा मंत्रालय के बाद रियल एस्टेट का तीसरा सबसे बड़ा मालिक बनाता है। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों से होने वाली सारी आय को दान पर खर्च करना होगा। विधेयक में प्रस्ताव है कि जिला कलेक्टर तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि। इसमें बोरा और आगा खानियों के लिए अलग वक्फ बोर्ड के निर्माण का भी प्रस्ताव है। मसूदा कानून मुस्लिम समुदायों के बीच शिया सुन्नी बोहरा अखाणी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।